तो फाइनली जिस वीडियो का आप सभी इंतजार कर रहे थे, कक्षा 11 के सभी छात्र, वो वीडियो आ चुकी है। जी हाँ, लगातार कक्षा 11 के छात्र मुझसे कमेंट कर रहे थे कि सर गणेश चतुर्थी या फिर और भी जो कार्यक्रम थे, इनके कारण हमारी यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, जिसके कारण सर हमें थोड़ा सा ही पेपर बता दीजिए ताकि हम यहाँ पे नंबर लेकर के आ जाए। थोड़ा क्यों भाई, पूरा बताऊंगा ना, थोड़ा बता के मैं क्या ही करूँगा, ठीक है। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जो आपको यहाँ पे कल आपको एग्जाम में 2:30 बजे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। गणित का सेट ए का पेपर है, लगभग सभी 55 जिलों में यही क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए समय भरपूर है आपके पास, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 बजे हुए हैं दोपहर के 12:30, ठीक है। समय भरपूर है, ठीक है। पेपर भी आपका अच्छा खासा हैवी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंपल आ रहा हो। तो देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन करके अगर मैं समझा दूंगा ना तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि कल के एग्जाम में आप गर्दा मचा दोगे, ठीक है। तो चलिए अपन आगे बढ़ेंगे और जो है अपने सही विकल्प से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प हमें चुन करके लिखने थे, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या दिया गया, एक्स धन 10। तो हमें एफ के एफ ऋण 10 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एफ ऋण 10 का मतलब ऋण 10 की वैल्यू यहाँ पे रखनी थी, ठीक। सीधी सी बात यह है, तो यहाँ पे देखिए एक्स की जगह अगर हम ऋण 10 रखेंगे और धन के 10 हैं तो दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे तो शून्य आ जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए एफ के अंदर क्या दिया गया है, ऋण 10, मतलब कि सीधी सी बात यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो दी गई है हमें ऋण 10, ठीक है। अब हमें एक्स की जगह क्या रखना है, ऋण के 10, ठीक है। और धन के 10 हमारे पहले से ही है, तो अब जो जब दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा ना। तो आंसर जो है हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, दो हमें समुच्चय दिए गए हैं, ए बराबर दिया गया है ए बी और बी बराबर दिया गया है ए बी सी। तो ए संग भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए यूनियन भी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कैसे हम ज्ञात करते हैं आप सभी को पता होगा। यहाँ पे समुच्चय के अंदर दिया गया है ए बी, ठीक है। एक दिया गया है ए बी सी, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में है ए और बी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। दोनों में जो कॉमन रहता है वो आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जो कॉमन नहीं है वो अपन लिखेंगे, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे, सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। एक्चुअली स्टेट समुच्चय जो है मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बहुत समय हो गया देखिए मैथ करे हुए, तो समुच्चय थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है, जो कोष्टक मैं बना रहा हूँ, वरना आप बोलेंगे सर से समुच्चय बनाते नहीं यार, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका यहाँ पे बी नंबर वाला होगा, ठीक है, सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा एक समीकरण हमें दिया गया है एक्स धन यहाँ पे आई वाई इज इक्वल टू 2, और सॉरी मैं यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक्स, ठीक है, एक्स धन आई वाई बराबर दिया गया है 2 धन 3i, ठीक है। तब एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें फाइंड करनी थी। तो देखिए साफ साफ आप देख पा रहे होंगे एक्स का जो मान है वो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। एक्स का जो मान है वो हमें दिया गया है 2। इसके अलावा देखिएगा वाई का जो मान है क्या दिया गया है, 3 दिया गया है बस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बी नंबर वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर वाला आपको लगाना था। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हो, इसका फॉर्मूला ही होता है, देखो छात्रों, एक्स धन वाई के ऊपर 2n की पावर मतलब 2n की घात में पदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें जो है पदों की संख्या हमेशा क्या होती है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा फॉर्मूला आपको जिंदगी भर काम आएगा, 2n धन 1 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2n धन 1, ये जो है हमेशा फार्मूला होता है। ये भी सिद्ध कर सकते हैं अपन, देखो मैथ में कोई ऐसा नहीं होता रटंत विद्या वाला काम, सिद्ध कर सकते हैं, बट सिद्ध करने का टाइम होना चाहिए ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2n धन 1। नेक्स्ट है आपका वाई बराबर 3x धन 7 और वाई बराबर mx+2। ये क्या है, वाई बराबर mx+c जो होती है प्रमाणता होती है, आप सभी को पता होगा। तो देखिये इसको जब अपन mx+ जो यहाँ पे जो दिया गया, देखिए x की जो वैल्यू है क्या दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है, m की। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3x, जैसा कि जैसा यहाँ पे 3 जो है और m हो जाएगा, ठीक है, 3m। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देखिएगा जो है +1 होगा, ठीक है। इसको जब आप लंबवत है, चूंकि ये लंबवत है, ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना, ये लंबवत है, मैं देखना भूल गया था, ये लंबवत है, ठीक है। तो लंबवत है जिसके कारण जो है इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3m+1 आएगा, ठीक है, 3m+1, ठीक है, ये आप कर देना, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे होगा। इसके बाद देखिएगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है।
जो संख्या दी गई है इसका माध्य के सापेक्ष हमें माध्य विचलन ज्ञात करना था। तो देखिए इसका जो माध्य विचलन है वो कितना आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है 1.2 आपको लगाना है, जो कि आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए छात्रों एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन काम है, एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। उसके पहले देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो सिर्फ यहाँ पे आए हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, ठीक है पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने के, तो चलिए मैं अपने मोबाइल में सबसे पहले उन्हीं का यहाँ पे समस्या को सॉल्व कर देता हूँ, ताकि वो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि भाई वो ज्ञाता है, ठीक है उनसे सब आता है, या फिर वो कोई किसी टीचर से पूछ लेंगे कि भाई इसको हमें सॉल्व करना है, ये पेपर हमें मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर देना है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो ध्यान से देखना, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे सर्च करने के बाद स्टडी नोट्स पीजे डॉट कॉम देखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, एमपी बोर्ड वाला सेक्शन देखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद कक्षा 11 देखना है, कक्षा 11 में यहाँ से हमें ढूंढना है गणित, ठीक है तो गणित हमें दिख चुका है, गणित की सेट ए पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका असली पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डला हुआ है, ठीक है तो यहाँ से पूरा आप पेपर डाउनलोड कर लेना, ठीक है सभी छात्र यहाँ से पेपर डाउनलोड कर लेना, और सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है, सॉल्यूशन आपको नीचे किसी भी एक ऐड पे क्लिक करके कर लेना है डाउनलोड, ठीक है सॉल्यूशन वहीं पे मिलेगा आपको जहाँ पे मैंने पेपर बताया है। इसके अलावा रिक्त स्थान आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है आपके रिक्त स्थान रहेंगे। देखिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है तो आप कमेंट करिए, मैं बहुत ही जल्द आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ पूरा पेपर। बाकी आप पूरा पेपर एक बार आप देख लीजिए, ठीक है यहाँ से चौथा क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आप पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से आप छठवां देखेंगे, ठीक है एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, नीचे फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया गया है रूट के अंदर एक्स माइनस वन, ठीक है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला है टेन 13π/12 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 3i की यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी है माइनस के 3i, ठीक है साइन 75 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं मैं देखना चाहता हूँ कितने छात्र यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है आई स्क्वायर जो होता है उसका मान कितना होता है, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन कमेंट करके बताएगा, ठीक है बाकी आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि मैं इसका फुल सॉल्यूशन कराऊं या फिर ना कराऊं। अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो को सपोर्ट करना होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करना होगा, ताकि जो पेपर है वो बहुत ही जल्द मैं आपको फुल सॉल्व करा दूँ, ठीक है पूरा पेपर हालांकि आप देख सकते हैं एकदम यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है इसके बाद अपन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा पेपर आप देख सकते हैं, लिमिट दी गई है π/2, ठीक है एक्स π/2 की सीमा ज्ञात करनी थी, ठीक है इसके अलावा देखिए 3 और 12 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना था। तो यहाँ से देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे अगर आप यहाँ पे मेरे से समझेंगे, ठीक है तो सभी क्वेश्चन जो है मैं एक्सप्लेन करके बहुत ही जल्द आपको बताने वाला हूँ। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको इसको समझना है या फिर नहीं समझना। अगर समझना है पूरा पेपर तो अभी के अभी कमेंट करिए, मैं बहुत ही जल्द आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है।